तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आपको जानना है कि वो अपडेट कौन सी है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपको सारी अपडेट के बारे में मालूम चल जाएगा। तो हाँ, अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी एक चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया और उसका नाम है एनिमी एक्स इंडिया। तो अगर आप चाहें तो मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सरीना और ग्रीनिंजा के रिटर्निंग से रिलेटेड कुछ बताया था, और उसमें मैंने ये बताया था कि हमें ग्रीनिंजा की रिटर्निंग पोकेमोन जर्नीज के अंदर देखने को मिल सकती है, और सरीना की भी रिटर्निंग हमें पोकेमोन जर्नीज के अंदर देखने को मिल सकती है, और इसके कुछ हिंट भी मैंने आपको दिए थे। और ग्रीनिंजा के बारे में मैंने आपको बताया था पोकेमोन कंपनी के मर्चेंडाइज और मैगजीन्स में हमें ग्रीनिंजा देखने को मिला, इससे हमें ये पता चला कि ग्रीनिंजा की रिटर्निंग हमें पोकेमोन जर्नीज के अंदर देखने को मिलेगी और इसके चांस 90% है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं, जो अभी अभी पोकेमोन कंपनी के तरफ से आई है ग्रीनिंजा से रिलेटेड, और इसके अलावा पोकेमोन के एक नए सीजन के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो अब बिना किसी बकवास के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आयरिस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो आयरिस इस बार हमें पोकेमोन जर्नीज के अंदर एक चैंपियन के रूप में दिखेगी, और वो यूनोवा रीजन की चैंपियन होगी। और इससे पहले अगर आपको नहीं पता कि यूनोवा रीजन का चैंपियन कौन था तो मैं आपको बता देता हूँ, यूनोवा रीजन का चैंपियन था पहले एल्डर, लेकिन अब एल्डर यूनोवा रीजन का चैंपियन नहीं रहा और आयरिस ने उसकी जगह ले ली है, और आयरिस अब बन गई है यूनोवा रीजन की नई चैंपियन। और जब वो चैंपियन है तो आप सबको ये पता होगा कि चैंपियन के पोकेमोन कितने पावरफुल होते हैं। इस बार हमें आयरिस और एश की बैटल देखने को मिलेगी, और दोनों ही एक रीजन के चैंपियन है। एश है अलोला रीजन का चैंपियन और आयरिस है यूनोवा रीजन की चैंपियन, और दोनों के बीच हमें एक बहुत ही धमाकेदार मैच देखने को मिलेगी, जहां पर हो सकता है कि ये पोकेमोन बैटल दो दो पोकेमोन का हो, जहां पर आयरिस यूज करेगी ड्रैगनाइट और उसके एक पोकेमोन के बारे में हमें बताया नहीं गया है। लेकिन जहां तक मेरी प्रिडिक्शन है तो मुझे लगता है कि आयरिस अपने फर्स्ट पोकेमोन के रूप में अपने हेक्सोरस को चुनेगी, जो कि पहले एक्सियो में आयरिस का पोकेमोन था यूनोवा रीजन के अंदर। अब हो सकता है कि वो पूरा इवॉल्व हो गया हो, और दूसरे मैच में तो हमें ये दिखाया जाता ही है कि आयरिस अपने ड्रैगनाइट के साथ एश के ड्रैगनाइट से बैटल करती है। तो हो सकता है कि इस मैच के अंदर एश का ड्रैगनाइट आयरिस के हेक्सोरस को हरा दे, लेकिन उसके बाद आयरिस का ड्रैगनाइट एश के ड्रैगनाइट को हरा दे, उसके बाद एश चुनेगा अपना ड्रैकोविश, क्योंकि हमें पोकेमोन जर्नीस के प्रीव्यू के अंदर ड्रैकोविश भी देखने को मिला है, और अभी तक ड्रैकोविश ने एक भी मैच नहीं लड़ी है। तो हो सकता है कि इस मैच में उसे भी मौका मिले और वो आयरिस के ड्रैगनाइट को हरा कर ये साबित करे कि वो भी एक पावरफुल पोकेमोन है। तो हाँ, आने वाले एपिसोड में हमें काफी सारे इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई आयरिस के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं ग्रीनिंजा से रिलेटेड वो अपडेट कि क्या हमें ग्रीनिंजा की रिटर्निंग पोकेमोन जर्नीज के अंदर देखने को मिलेगी या नहीं। और आज मैं आपको जो उसके बारे में लीक बताने वाला हूँ वो पोकेमोन कंपनी के तरफ से बिल्कुल 100% कंफर्म है। तो जैसा कि पोकेमोन कंपनी ने अपने कुछ दिनों पहले ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया था, आप उसे खुद ही देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, और हमें इसमें ग्रीनिंजा देखने को मिला है, जहाँ पर पोकेमोन कंपनी ने नीचे ये लिखा है, नॉट ऑल हीरोज वेयर कैप्स, सम वेयर देयर टंग एज अ स्कार्फ। तो इस न्यूज़ को देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था, और इस न्यूज़ को देखकर काफ़ी सारे पोकेमोन फैंस भी शॉक में आ गए थे कि क्या हमें ग्रीनिंजा की रिटर्निंग पोकेमोन जर्नीज के अंदर देखने को मिलेगी या नहीं। और ये लीक अभी जस्ट सामने आई है, तो मैं आपको इससे जुड़े कुछ क्लू के बारे में बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पोकेमोन जर्नीज के अंदर ग्रीनिंजा की रिटर्निंग हमें 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्त वक्त पर पोकेमोन कंपनी हमें ग्रीनिंजा से रिलेटेड कुछ दिखाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्रीनिंजा की रिटर्निंग पोकेमोन जर्नीज के अंदर कंफर्म हो चुकी है, और वो भी 100%। और अभी तक ये न्यूज़ खत्म नहीं हुई है, अभी एक और न्यूज़ देना बाकी है मुझे आप सबको, और ये न्यूज़ भी काफ़ी बड़ी है। तो वो न्यूज़ ये है
कि जिस दिन पोकेमोन कंपनी ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये ग्रीन निंजा वाला पोस्ट किया था, उसके अगले ही दिन पोकेमोन कंपनी ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट किया जहां पर हम पोकेमोन जर्नीज का एक न्यू पोस्टर देख रहे हैं और वो आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका होगा और यही है पोकेमोन जर्नीज का न्यू सीजन का पोस्टर। और जैसा कि हमें इसमें पोकेमोन जर्नीज का टाइटल भी चेंज मिल रहा है और अब इसका नाम हो गया है पोकेमोन मास्टर जर्नीज। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि पोकेमोन जर्नीज का जो न्यू सीजन स्टार्ट होगा उसमें हमें ग्रीन निंजा की रिटर्निंग और सरीना की रिटर्निंग बिल्कुल 100% दिखाई जाएगी और ये अपडेट कंफर्म भी हो चुकी है। क्योंकि आप ही लोग सोचो, पहले पोकेमोन कंपनी ने एक दिन पहले ग्रीन निंजा वाली पोस्ट की, उसके बाद अगले दिन तुरंत उसने पोकेमोन जर्नीज का न्यू सीजन का पोस्टर भी लॉन्च कर दिया, तो इन दोनों का कुछ कनेक्शन तो है। तो हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रीन निंजा की रिटर्निंग बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है पोकेमोन जर्नीज के अंदर और वो हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगी जिसका नाम है पोकेमोन मास्टर जर्नीज। तो बस हमें इसका इंतजार करना है और फिर सारे पोकेमोन फैंस की विश पूरी हो जाएगी। सो गाइस, यही थी कुछ अपडेट पोकेमोन जर्नी से रिलेटेड जो कि मैंने आपको आज बता दी। और ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे पोकेमोन से रिलेटेड कोई भी अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो और आप उसे देख पाए सबसे पहले। तो अब इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।